स्टडी करेंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे, ठीक है ना। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, जब आप प्रोजेक्टाइल्स को यहां ओरिजिन से प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको पता है ये प्रोजेक्टाइल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो इसकी जर्नी के दौरान एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि ये कहां चला जाता है, मैक्सिमम हाइट पर चला जाएगा। अब जब इस मैक्सिमम हाइट पर ये चला जाएगा तो इसके बाद ये फिर डाउनवर्ड मोशन शुरू करेगा। जब ये डाउनवर्ड मोशन शुरू करेगा तो नीचे की तरफ आते आते यहां पर आके क्या कर लेगा, ये लैंड कर देगा। अब इस सूरत में ये बात अपने जेहन में रखें कि जब आपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इसको प्रोजेक्ट किया और फिर ये हाईएस्ट पॉइंट पर चला गया, फिर दोबारा कहां पर आ गया, इस लैंडिंग पॉइंट के ऊपर आ गया। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लैंडिंग पॉइंट तक जाने के लिए ये जितना टाइम लेगा उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, व्हाट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हम लोग इसकी डेफिनेशंस क्या करेंगे, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द लैंडिंग पॉइंट, इट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इस टाइम ऑफ फ्लाइट को आपने किससे रिप्रेजेंट कर देना है जी, टी से। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गई, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द लैंडिंग पॉइंट, इट इज कॉल्ड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। देखो अगर इस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूज करनी पड़ेगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर मैं सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशंस यहां इस्तेमाल करूं तो आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है जी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब देखो इसी इक्वेशन को अगर मैं वाई एक्सिस के लिए राइट करूं तो फॉर वाई एक्सिस के लिए इस इक्वेशन को आपने कैसे राइट करना है, तो वाई एक्सिस के लिए इसको राइट करने के लिए आप लोगों को S को रिप्लेस करना पड़ेगा, किस से, Y से। वी आई को आपने रिप्लेस करना है किस से, वी आई वाई से। टाइम को आपने रिप्लेस कर देना है टाइम ऑफ फ्लाइट से। और इसी तरीके से 1/2 ऐसे आ गया, ए को रिप्लेस कर दो ए वाई से और टी को रिप्लेस कर दीजिएगा, स्मॉल टी को कैपिटल टी से रिप्लेस कर दीजिएगा। तो इसको हम कॉल कर देते इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इसी इक्वेशन को मैंने वाई एक्सिस के लिए राइट किया है, कैसे राइट किया, एस को मैंने वाई से रिप्लेस कर दिया, वाई को वी आई को वी आई वाई से रिप्लेस कर दिया, टी को कैपिटल टी से रिप्लेस कर दिया, ए वाई ए को ए वाई से रिप्लेस कर दिया और एस टी को मैंने कैपिटल टी से रिप्लेस कर दिया। लेकिन आपको बताते चलूं कि यहां ये वाई की वैल्यू क्या है, जरा वाई की वैल्यू देखिए। आपने इस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, जब ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है तो आप देख रहे हैं ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा, और जब यहां पर चला गया तो ये मैक्सिमम हो गया। लेकिन जब यही प्रोजेक्टाइल डाउनवर्ड मोशन शुरू करेगा तो ये वर्टिकल डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता इसका क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जब आपका प्रोजेक्टाइल इस लैंडिंग पॉइंट पर होगा, जब प्रोजेक्टाइल लैंडिंग पॉइंट के ऊपर होगा तो फिर ये वाई जो है ये क्या हो जाएगा, जीरो वो हो जाएगा। तो उस वक्त वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब ये निकला कि एट द लैंडिंग पॉइंट के ऊपर
वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन यहां पर ये जो वी आई वाई है, वी आई वाई क्या होता है, वी आई वाई होता है वी आई साइन थीटा होता है। तो जब मैं बात करूं वी आई वाई की तो आपके जहन में होना चाहिए वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। ए वाई क्या होगा, ए वाई क्या होगा, तो ए वाई इक्वल होगा किसकी इक्वल होगा, माइनस जी के बराबर होगा। तो मैंने ए वाई की जगह क्या लिख दिया, माइनस जी लिख दिया है। अब यही वैल्यूज आप उठाइए और कहां पर पुट कर लें, इक्वेशन नंबर वन में ये तीनों वैल्यूज को उठा के यहां पुट कर लें, सॉल्व करें, तुम्हारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगी। देखो यहां पर हमारे पास इस वाई की जगह में क्या डालूंगा, जीरो। इसी तरह वी आई वाई की जगह क्या लगा दूंगा, वी आई साइन थीटा लगा दूंगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा वी आई साइन थीटा आ जाएगा, इन टू साथ क्या चीज आ गई, टी आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, प्लस वन बाई टू ऐसे आ गया, ठीक है ना। और इसी तरह ए वाई, ए वाई, ए वाई क्या होगा, ये हमारे पास क्या है जी, माइनस जी आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई क्या चीज आ गई, टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसी चीज को थोड़ा और हम आगे लेके चलें तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या बन रहा, जीरो इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा ऐसे आ गया इंटू टी। देखो ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर आ जाएगा, माइनस वन बाई टू जी और साथ क्या चीज आ जाएगी, टी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पर ये वाली टर्म देखो क्या हो रही, माइनस हो रही, इसको इधर शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इससे हमारे पास ये आ गया वन बाई टू जी टी स्क्वायर आ जाएगा। तो इधर हमारे पास ये चीज आ गई वी आई साइन थीटा इंटू साथ क्या चीज आ गई, टी। अब देखो वन बाई टू ऐसे आ गया जी, टी स्क्वायर को देखो मैं लिख सकता हूं टी मल्टीप्लाई बाई टी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, बेस हो पावर हो तो आपने बेस को इतनी मतलब मल्टीप्लाई करना है जितनी पावर है, तो टी स्क्वायर आ जाएगा, टी मल्टीप्लाई बाई टी आ जाएगा। और इसी तरीके से ये हमारे पास क्या आ गया, वी आई साइन थीटा इंटू साथ क्या चीज आ जाएगी, टी आ जाएगा। अब टी इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ है ना, कैंसल हो गया। इसका मतलब ये निकल आया कि वन बाई टू जी इंटू टी ये बराबर आ जाएगा किसके, वी आई साइन थीटा आ जाएगा। टू इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उधर चल के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस सूरत में जी टी बराबर आ जाएगा टू वी आई साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। टू इधर चल के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जी इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा, उस तरह जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो टी इक्वल आ जाएगा किसकी, इक्वल आ गया टू टाइम वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, टी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये निकल आया कि हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये कितनी आ रही है, टी इज इक्वल टू टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी आ रही है, ठीक है ना। अब इसी चीज से हम एक और चीज निकालेंगे, ठीक है ना। आखिरी बात आपको बता रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं जी टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, हाउ वी कैन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। एक टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है और एक है टाइम ऑफ फ्लाइट है। देखो आपने प्रोजेक्टाइल को यहां से प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा, करते करते कहां चला गया, हाईएस्ट पॉइंट पर चला गया। अब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर इस हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए ये कितना टाइम लेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए प्रोजेक्टाइल को जितना टाइम चाहिए होगा उस टाइम को क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट वी यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है जी,
Vf is equal to Vi plus At. Vf is equal to Vi plus At. ये हमारे पास first equation of क्या है? Motion है. इस equations को अगर मैं लिख दूं for y axis, अगर इसी equations को मैं y axis के लिए write कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? Vf बराबर आ जाएगा किसके? Vf को किससे रिप्लेस कर लो? Vf y से. Vi को किससे रिप्लेस कर दोगे? Vi y से रिप्लेस कर दोगे. A को किससे रिप्लेस करोगे? Ay से. और small t को आपने किससे रिप्रेजेंट कर देना है? चलो t प्राइम बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं? t प्राइम बोल देते हैं. ठीक है ना? टाइम ऑफ फ्लाइट को. अब देखो, मैंने आपको बता दिया जब आपका प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो इसकी वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट ये क्या होगा? जीरो होगा. तो इसका मतलब ये निकला कि यहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा जी? जीरो लिखना पड़ेगा. वी आई वाई क्या होता है? तो वी आई वाई होता है वी आई साइन थीटा होता है. तो इस वी आई वाई की जगह मैं लिख सकता हूं वी आई साइन थीटा लिख सकता हूं. ay किसके बराबर होता है जी? माइनस जी के बराबर होता है. ठीक है ना? और साथ क्या आ गया? t प्राइम अपनी जगह पे आ गया. तो जीरो इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा प्लस क्रॉस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस जी और साथ क्या आ जाएगा? टी प्राइम. अब जी टी प्राइम इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा. इसका मतलब ये निकला कि जी टी प्राइम बराबर आ जाएगा किसके? वी आई साइन थीटा. और यहां से टी प्राइम निकाल दो तो जी मल्टीप्लाई हो रहा उधर चल के क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. तो इससे हमारे पास आ गया वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा. ठीक है ना? और आप ये देख रहे हैं ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या है? हाफ है. क्यों? कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में यहां पर क्या था? टू टाइम था. और इसमें क्या आ रहा? वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी. और फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से ही हमें पता चल गया कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है इट इज हाफ ऑफ द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. इसके बाद हम लोगों ने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल्स को स्टडी करना है, वो अगले आर्टिकल्स में हम स्टडी करेंगे.